पहले टेढ़े होते हैं तो उनको सीधा किया जाता है, और उसके बाद इसमें पोल में सिमटेड वाला मसाला डाला जाता है। पोल को भी भरा जाएगा वो वाला कि सीधा कर रहे हैं पहले, उसके बाद भरा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसको पहले सीधा किया जा रहा है, उसके बाद इसी तरह दोस्तों इसी तरह बिल्कुल भर दिया जाएगा जैसे ये भरा हुआ है। इसको पहले से काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ है, जिस हिसाब से बना हुआ दिख रहा हमें नहर के ऊपर। लो ये देख सकते हैं आप फिलहाल पुल। जय हिंद भाइयों, जय श्री श्याम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी दोस्तों आज पहुंचे मुंडाल स्टेशन पर, और यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनको बढ़ने का काम फिलहाल चल रहा है। वो आप वहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मुंडाल का स्टेशन, और लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर हम यहाँ खड़े हैं, और जो इलेक्ट्रिक पोल है दोस्तों उनको फिलहाल बढ़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये दिखाते हैं हम आप लोगों को दोस्तों। आज वैसे 17 तारीख है, 17 अक्टूबर, और ट्रेन चलने की बात करें तो दोस्तों कल की बता रहे हैं शायद, कि कल से मालगाड़ी वगैरह स्टार्ट होंगी इस लाइन पर। अभी फिलहाल जो ये इलेक्ट्रिक पोल है उनको फिलहाल सिमटेड से भरने का काम फिलहाल जरूर चल रहा है, मुंडाल स्टेशन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर। ये फिलहाल देख सकते हैं आप, ये काम चल रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं फिलहाल इनको फिलहाल सीमेंट से भरने वगैरह काम चल रहा है, जो पोल लगाने के बाद जो होता है। ये फिलहाल देख सकते हैं, तो भाई देख सकते हैं आप लोग फिलहाल ये जो इलेक्ट्रिक पोल है इसको डालने का काम फिलहाल चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सीमेंट, अब उसके बाद सीमेंट से फिर इसको भरा जाएगा। अभी फिलहाल सीधा करने का काम चल रहा है ये देख। और दोस्तों ये जो काम पूरा चल रहा है बिल्कुल सेफ्टी के साथ चल रहा है, ये आप देख सकते हैं जो रेलवे लाइन के बीचों बीच में ये रेड सिग्नल लगाया हुआ है यहाँ पर भी, और उस साइड भी दोस्तों वहाँ पर भी लगाया हुआ है, ताकि ये लाइन हालांकि चालू है वैसे इस पर, क्योंकि ट्रेन वगैरह इंजन वगैरह चल रहे हैं अभी, और 1 से 2 दिन में मालगाड़ी चलाने का भी नोटिस जारी हो चुका है, पर देखते हैं उसको कब तक अमल में लाई जाएगी वो प्रक्रिया। लेकिन 18 तारीख की दोस्तों बता रहे हैं कि 18 तारीख को मालगाड़ी इस लाइन पर स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल मुंडाल स्टेशन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, और आप देख सकते हैं फिलहाल इलेक्ट्रिक पोल दूर दूर तक आपको इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए नजर आएंगे। और हालांकि इसको अब इसके जो पोल है उसको बढ़ने का काम चल रहा है सीमेंट से फिलहाल वो, और सीधा पहले ये पोल टेढ़े थे तो अब उसको सीधा करने का भी काम करके उसके बाद इसको सीमेंट से भरा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं काम होते हुए, और पूरी सेफ्टी बढ़ती जा रही है इस काम को करते हुए। और ये अपने साथ इंस्ट्रूमेंट भी साथ में रखते हैं जो भी चीज़ इनको ज़रूरत होती है। फिलहाल देख रहे हैं आप आसी मैम रोड तक रेल लाइन पे हम फिलहाल मुंडाल स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं इस टाइम, और वो आप मुंडाल स्टेशन को फिलहाल देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो काम सेफ्टी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रेड सिग्नल मिल जाएगा लगा हुआ, और यहाँ पे भी उससे आगे भी रेड सिग्नल लगा रखा है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है रेलवे लाइन पर, इसलिए ये साइन लगाया हुआ है फिलहाल। और दोस्तों आसपास आप देख सकते हैं फिलहाल कितनी हरियाली है यहाँ पर रेलवे लाइन के चारों तरफ। और दोस्तों स्टेशन पर बात करें तो स्टाफ की नियुक्ति भी हो चुकी है फिलहाल, वो होते हैं फिलहाल ऐसे होते हैं पोल सीधे। और अगर दोस्तों इलेक्ट्रिक की बात करें तो बलम्बा स्टेशन से स्टार्ट होकर काम मैं ये अपना जो मदी मुंडाल का स्टेशन है वहाँ तक काम दोस्तों हम पहले दिखा चुके हैं बस, लेकिन वहीं तक ही हुआ है काम फिलहाल इलेक्ट्रिक पोल लगाने का। तो इसमें भी लगभग दोस्तों 7 से 8 महीने ज़रूर लग जाएंगे ये काम कम्प्लीट होने में फिलहाल देख। और दोस्तों संडे से लगभग एक दो मालगाड़ी के इंजन वगैरह चलाने का काम फिलहाल इस लाइन पर चल रहा है, तो 2-3 दिन की जो ट्रेनिंग है लोको पायलट्स की वो चल रही है फिलहाल इस लाइन पर।
जहाँ तक हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिली अभी तक। तो दोस्तों ये फ़िलहाल यही काम चल रहा है इस लाइन पर, जो पोल्स होते हैं उसको उसमें सीमेंट भरने का काम चल रहा है फिलहाल। पहले टेढ़े होते हैं तो उनको सीधा किया जाता है और उसके बाद इसमें पोल में सीमेंटेड वाला मसाला डाला जाता है, वो भी थोड़ा दिखाएंगे हम आप लोगों को। ये फ़िलहाल इसको सीधा करने का काम चल रहा है, अभी ऐसे सीधा किया जाता है, पहले इसके अंदर कुछ इसको फंसा के फिर उसको सीधा किया जाता है। ये भाई फिलहाल अभी लगे हुए हैं। तो भाई फिलहाल देख सकते हैं अभी इनको पहले सीधा किया जाता है पोल को, उसके बाद इसमें मसाला इसमें सीमेंट का मसाला भरा जाता है। ये भाई लगे हुए फिलहाल, अभी इसको सीधा कर दिया गया है फिलहाल इस पोल को। और मालगाड़ी की दोस्तों स्टार्टिंग बता रहे हैं इस लाइन पर लगभग कल के डेट में बता रहे हैं, लेकिन वो अगर चालू हो जाएगी तो वो ब्लॉग भी हम कवर करेंगे अपने चैनल पर। फिलहाल इन फिलहाल तो अभी जो काम की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोल में सीमेंट वगैरह भरने का काम ज़रूर चल रहा है सीधा करके ट्रैक पर। और दोस्तों आप दूर दूर तक देख सकते हैं, फिलहाल मुंडाल स्टेशन से 1 से 2 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोल आपको दूर दूर तक दोस्तों नज़र आएंगे। और जो ये काम है दोस्तों बलम्बा स्टेशन से निकल कर गढ़ी के स्टेशन पर पहुंच चुका है इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल दूर दूर तक आपको इलेक्ट्रिक पोल लगे पाएंगे और एक पुल है शायद आगे, वो भी कवर करेंगे आज। इसको दोस्तों जैसे भर चुके हैं उसी तरह उस पोल को भी भरा जाएगा, वो हालांकि सीधा कर रहे हैं पहले उसके बाद भरा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसको पहले सीधा किया जा रहा है उसके बाद इसी तरह दोस्तों इसी तरह बिल्कुल भर दिया जाएगा जैसे ये भरा हुआ है। इसको पहले सीधा किया उसके बाद इसमें सीमेंटेड का मसाला डाल के इसको मतलब सीधा करके फिर इसको भर दिया जाता है और ये अब बिल्कुल सीधा खड़ा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसी तरह सब पोल्स के साथ किया जाएगा। आगे लगभग हो चुके हैं और दोस्तों कल की डेट में भी एक इंजन चलाया गया था यहाँ पर और परसों भी चलाया गया था, तो वो ट्रायल के तौर पे चलाया जा रहा है और उसके बाद मालगाड़ियों का संचालन 18 अक्टूबर से बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम फिलहाल अब 41 किलोमीटर पर आ चुके हैं इस लाइन के, और महम और मुंडाल के बीच में जो दोस्तों एक पुल है नहर पर, वहाँ का पुल दिखाएंगे आज हम आप लोगों को। ये फिलहाल बनाया हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों मौसम देख सकते हैं आप कितना सुहावना हो चुका है आज, ये देख सकते हैं आप फिलहाल कितना शानदार और कितना ठंडा मौसम हो चुका है आज का। व्लॉग बनाने में भी व्लॉग शूट करने में भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। व्लॉगों के लिए स्पेशल आए हैं दोस्तों आज फिर मुंडाल स्टेशन पर, यही चेक करना था कि दोस्तों स्टाफ की नियुक्ति हुई है या नहीं, वो चेक करेंगे। हालांकि हम अभी मुंडाल स्टेशन से थोड़ी आगे आ चुके हैं, ये हालांकि येलो किया हुआ सिग्नल। ये दोस्तों हालांकि खेतों में सौर ऊर्जा वाला वो पैनल लगाया हुआ है लाइट के लिए, और ये है वो पुल जो महम और मुंडाल के बीचों बीच है। ये हालांकि ये पुल यहाँ पर अभी लगाया नहीं गया इस फाउंडेशन में, इसमें डाला जाएगा इसको। ये दोस्तों अभी फ़िलहाल एक नहर है, नहर के ऊपर बनाया गया है ये पुल, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप फिलहाल ब्रिज नंबर 212 लिखा हुआ है यहाँ पर। हालांकि इस पे जब गाड़ी चलेगी तो दोस्तों बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेगी शायद। ये देख सकते हैं फिलहाल ये ब्रिज काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ है, जिस हिसाब से बना हुआ दिख रहा हमें नहर के ऊपर। आज ये दोस्तों हम आए हुए थे तो पास में ही था नहर के, तो हम सोचे चलो कवर कर देते हैं आज ये ब्रिज भी। फिलहाल देख रहे हैं और वहाँ से आपका NH10 9 हाईवे नेशनल हाईवे, और ये पुल जो मुंडाल और महम स्टेशन के बीचों बीच है बिल्कुल। नहर खाली है दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं, और एक नहर वो है
रहा है। और पुल काफी मजबूती के साथ बनाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं लाइन। ये दोस्तों हालांकि नीचे उतरने के लिए पैड़ियां भी बनाई हुई है पुल के नीचे, पुल के नीचे जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों इससे आगे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं इसमें हुक वगैरह भी डाल दिए गए, आप देख सकते हैं फिलहाल। ये ब्रिज नंबर 212 ब्रिज आप देख सकते हैं फिलहाल। दोस्तों यहाँ से लगभग मैम के स्टेशन की जो दूरी है ज़्यादा नहीं है, वो लगभग ये लगा लीजिए आप 7 से 8 किलोमीटर दूरी है यहाँ से मैम का स्टेशन। और वो आपको टिल्ले देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, हालांकि 7 से 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से मैम स्टेशन। और ये हुक बता रहे थे दोस्तों ये लगा चुके हैं फिलहाल, जो ये मैम से लेके मुंडाल के बीच में जो पुल है यहाँ पर, ये हुक भी लगा दिए गए हालांकि इलेक्ट्रिक पोल में। और इससे आगे अभी दोस्तों फाउंडेशन में जो इलेक्ट्रिक पोल है उसको सीमेंट से भरने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन ये हुक नहीं लगाए गए अभी आप पे जैसे यहाँ लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप आगे भी। और रेलवे लाइन के चारों तरफ देख सकते हैं हम दोस्तों कितनी हरियाली है बिल्कुल। और अब दोस्तों चलेंगे हम सीधा मुंडाल स्टेशन पर, और स्टाफ देखेंगे हम स्टाफ की नियुक्ति हुई है या नहीं, तो वहीं पे चलेंगे अब थोड़ी देर में। बस यहीं तक ही दिखाने आए थे हम तो ये पुल, हालांकि रास्ते में हमें थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा था इस वजह से हम पुल को कवर करने आ गए आज। ये देख सकते हैं आप फिलहाल पुल और इलेक्ट्रिक पोल दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो हुक वगैरह डालने का काम है ये हो चुका है। और इससे आगे जो इलेक्ट्रिक पोल है दोस्तों इस पुल के आगे उसमें फिलहाल ये हुक नहीं डाले गए, हालांकि इसके जो सीमेंटेड करने का काम ये जरूर चल रहा है फिलहाल। इंजन वगैरह चला के दोस्तों एक दो दिन से लगातार इंजन चल रहे हैं इस लाइन पर, जरूर मालगाड़ी भी चली है लेकिन प्रॉपर तरीके से मालगाड़ी की शुरुआत 18 अक्टूबर से बता रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज़ देखेंगे कि 18 अक्टूबर को चलेगी या नहीं, उस चीज़ की भी अपडेट डालते रहेंगे हम सीधा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के लिए आता रहेगा, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी ब्लॉग होंगे, चाहे उसमें रेलवे लाइन से रिलेटेड ब्लॉग हो या रेल और बस के ब्लॉग हो, तो ऐसे ब्लॉग आप हमारा चैनल आप लोगों के लिए लाता रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने भाई के चैनल को। तो चलिए चलते हैं अब सीधा वापस मुंडाल स्टेशन की तरफ। यहाँ पर अपना एक भाई लगा हुआ है फिलहाल इसको मसाल एक सार करने में बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। ये भाई साहब सीमेंट का मसाला है ना सिर्फ? प्योर सीमेंट। अच्छा बढ़ने का मतलब प्योर सीमेंट लगे कर इस पर। अच्छा तो भाई चलिए अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं मुंडाल स्टेशन। लो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं मुंडाल कला के स्टेशन पर। लो भाई फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं आप मुंडाल कला पर, हालांकि स्टाफ के जो रूम है वो अभी खुले हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। भाई फिलहाल देख सकते हैं आप दोस्तों स्टेशन पे हालांकि रूम वगैरह तो खुले हो चुके हैं, कुछ है स्टाफ, हालांकि शुरू है स्टेशन फिलहाल अभी, देख सकते हैं भाई फिलहाल। तो भाई अगर दोस्तों स्टाफ की बात करें तो कुछ स्टाफ ज़रूर है यहाँ पर, ये हालांकि रूम सारे ओपन है अभी, 17 अक्टूबर की वीडियो जो ब्लॉग बना रहे हैं हम। और ये मुंडाल कला का स्टेशन आपका, हालांकि रूम दोस्तों मोस्टली खुले हुए हैं आईपीएस रूम वगैरह सब, और एक दो स्टाफ हालांकि बैठा है ज़रूर है, पिछली बार बंद था हालांकि ये भी स्टार्ट हो चुका है फिलहाल, ये देख सकते हैं। ये आपके स्टेशन पे आने का रास्ता फिलहाल मुंडाल कला स्टेशन पर, हालांकि एक आधा स्टाफ ज़रूर आया हुआ है दोस्तों, और
सो दोस्तों फिलहाल यही था आज के ब्लॉग में। और जो रेल चलने की बात है दोस्तों, 18 अक्टूबर तक बता रहे हैं जो मालगाड़ी वगैरह स्टार्ट होगी यहाँ से। और अभी हालांकि एक दो दिन तक इंजन ज़रूर चलाए गए हैं एक दो बार, लेकिन अभी मालगाड़ी की स्टार्टिंग नहीं हुई है। और एक कल 18 अक्टूबर की डेट में फ़िलहाल बता रहे हैं कि मालगाड़ी की स्टार्टिंग हो जाएगी मुंडाल आसिम एम रोहतक लाइन पर। और स्टाफ की बात करें दोस्तों, तो स्टाफ में कुछ स्टाफ आया हुआ है ज़रूर, और सभी रूम्स ओपन हो चुके हैं फिलहाल, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही था आज के व्लॉग में, उम्मीद आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो जय हिंद, जय श्री श्याम।